सऊदी अरब में होने वाले रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किंग खान शाहरुख खान की सरप्राइज एंट्री पर अमरीकी अदाकारा शैरन स्टोन वर्ताई हैरत में गुम हो गईं। जब फिल्म फेस्टिवल के दौरान मेजबान ने शाहरुख खान का नाम पुकारा तो अमरीकी अदाकारा ने हैरानी का इजहार करते हुए अपना दिल थाम लिया। शैरन स्टोन सऊदी अरब के शहर जद्दा में होने वाले रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शरीक थी। इस फेस्टिवल के दौरान शाहरुख खान को एजाजी अवार्ड से नवाजा गया। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि शैरन स्टोन ने अपने करीब ही बैठे शाहरुख खान को खड़े होते देखा तो हैरत का शिकार हो गईं और दिल थाम कर तालियां बजाने लगीं। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान को फिल्मी दुनिया में खिदमात के एतराफ में एजाजी अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर शाहरुख खान ने कहा कि यह अवार्ड मिलने पर मैं रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का बेहद ममनून हूँ। शाहरुख खान ने कहा कि सऊदी अरब में अपने मद्दाहों के दरमियान आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये वो खित्ता है जहां से मेरी फिल्मों को भरपूर सपोर्ट मिली। मैं इस खित्ते के टैलेंट को सराहने और यहां की फिल्म कम्युनिटी का हिस्सा बनने पर बहुत जोश में हूं। याद है कि शाहरुख खान ने हालिया दिनों सऊदी अरब में अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग की है। वाजह रहे कि अमरीकी अदाकारा शैरन स्टोन हॉलीवुड की मारूफ अदाकारों में शुमार होती हैं। वो 1958 में पेंसिल्वेनिया में पैदा हुई थीं। एडिनबरो यूनिवर्सिटी से इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद शैरन स्टोन 1976 में मिस क्रॉफोर्ड काउंटी मुंतखब हुई, जबकि उसके बाद अदाकारा फैशन इंडस्ट्री से व्यवस्था होने के लिए न्यूयॉर्क मुंतकिल हो गईं। 1977 में न्यू जर्सी मुंतकिल होने के बाद उन्होंने फोर्ड मॉडलिंग एजेंसी के साथ मुआहदा कर लिया और उसके बाद यूरोप मुंतकिल हो गईं, जहां उन्होंने मॉडलिंग को छोड़कर अदाकारी की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। उसके बाद वो दोबारा न्यूयॉर्क वापस आईं और 1981 में उनको हॉरर फिल्म डेडली ब्लेसिंग में कास्ट किया गया, जिसके बाद अदाकारा ने एक से बढ़कर एक फिल्म में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। उनकी मशहूर फिल्मों में अबव द लॉ, एक्शन जैक्सन, टोटल रिकॉल, सीजर्स, सिल्वर, द स्पेशलिस्ट, द क्विक एंड द डेड कैसिनो, आंटीज, द माइटी कैट वुमन, ब्रोकन फ्लावर्स, एल्फा डॉग, आई लव, ऑल आई विश, द लॉन रूममेट और दीगर शामिल हैं। अदाकार ने दो शादियां की। पहली शादी माइकल ग्रीन बर्ग के साथ जो कि 1984 से 1990 तक चली। उसके बाद अदाकारा की दूसरी शादी 1998 में फिल ब्रोस्टेन के साथ हुई जो कि सन 2004 में खिताब पसीर हुई। अदाकारा के तीन बच्चे हैं। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।